सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर जानेंगे सबसे पहले आसादी फाउंडेशन किन किन सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। गुलफाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। आप ग्रास रूट लेवल का रिपोर्टर है जी, और आप आसादी फाउंडेशन में आए, मेरे को सवाल पूछे, मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और सभी को पता है कि आसादी फाउंडेशन एक नेशनल लेवल का वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है जी। और 1981 से पूरा ऑल इंडिया लेवल में ये काम कर रहा है जी। हमारा फोकस रहता है कि बच्चों जो माँ का गर्भ में रहता है जी, वहाँ से हम शुरू करते हैं कि बच्चा एक अच्छा बच्चा जन्म दिले जी। वहाँ से माँ को देखभाल करते हैं और बच्चों को और माँ को हॉस्पिटल में पैदा होने के लिए प्रेरणा देते हैं, ताकि बच्चों हॉस्पिटल में पैदा है या सुरक्षित रूप से पैदा हो जी। क्योंकि आपको पता है हमारा हिंदुस्तान में पैदा होने का समय में ही कई बच्चा मर जाते हैं जी, क्योंकि उनको कई परेशानी रहती है जी। हाँ, अच्छा खान पीन नहीं रहता है, हैं गरीब है, माँ 9 महीना तो पेट में बच्चों को रखता है, उस समय भी काम करती है, मजदूरी काम करती है जी। उसमें बच्चे कभी गूंगा होकर पैदा होता है, अंधा होकर पैदा होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहते हैं कि जो बच्चा माँ का गर्भ में है वहीं से बच्चों को देखभाल किया जाए। अगर बच्चा जब जन्म होता है फिर उसको जो पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसको जैसे एक आम जनता का बच्चा जैसे होता है जी, एक स्वस्थ बच्चा, हाँ एक स्वस्थ बच्चा होता है, उसको आगे हम बढ़ाते हैं। बच्चा गरीब नहीं होता है, लोग बोलते हैं बच्चा गरीब है, नहीं बच्चा गरीब नहीं होता है, माँ बाप गरीब होता है। बच्चा तो बच्चे होता है, मासूम बच्चे, वो क्यों गरीब होगा हैं? वो बच्चा गरीब नहीं है, माँ बाप हो सकते हैं गरीब है। जैसे कि देखा जाता है कुपोषण में बहुत से, हाँ बहुत बच्चे 35% बच्चे कुपोषण की वजह से मृत्यु होता है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिसका कि पीने का एक एक पीने का जल नहीं है जी, जी, जी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उसी की वजह से भी बच्चे मृत्यु होता है। तो इसीलिए बच्चों को लेकर हम बहुत संवेदनशील है जी। और बच्चों को जैसे कि बच्चे देश का भविष्य है, अगर बच्चे हैं तो आने वाले पीढ़ी बेहतर होंगे। अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि देश का भविष्य है तो बच्चों को अभी हम ख्याल नहीं रखेंगे, बच्चों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ सुविधा, बेहतर खेलकूद की व्यवस्था अगर नहीं देंगे, ये बच्चे बड़ा होकर कैसे भविष्य बनेगा? अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, शिक्षा की जरूरत है, उसकी ज़रूरत तो है ही, और आपका भी कदम कहीं ना कहीं उसी ओर जा रहा है, जा रहा है। लेकिन सर बहुत सा देखा जाता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा माइनर होते हैं हाँ। और उन माइनर बच्चों को इसमें चरस गांजे जैसी लत लगा दी जाती है या उनको लग जाती है, तो उस स्थिति में जो वो बच्चे होते हैं तो उनके लिए आसादी फाउंडेशन क्या करती है? ये सही बात उठाया, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं जी, जी बिल्कुल। और ख़ास करके जो COVID-19 आया ना, स्कूल जब बंद हो गया जी, बहुत बच्चे क्योंकि गरीब माँ बाप है, उनका पास संसाधन कम है जी। हाँ कोई मजदूरी करता है, माँ पिताजी चला गया मजदूरी के लिए, मम्मी चले गई कोठी में काम करने के लिए, बच्चा घर पर रह गए, और बच्चे लोनली रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं है, बच्चे सोचता है कि कुछ भी देखे खाए पिए रहे ऐस करे, हाँ इस तरीके का आदत होता है। यार कहीं ना कहीं हमारा माहौल, जिस माहौल में बच्चा रहता है वो माहौल, एटमॉस्फेयर वो माहौल भी जिम्मेदारी है। और वही बड़े लोग बच्चों को बोलते जा सिगरेट लेकर आ, बीड़ी लेकर आ, गुटखा लेकर आ, तो बच्चे उससे छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं ये गुटखा क्या है, ये बीड़ी क्या है, ये सिगरेट क्या है, वो हमारा हम लोग ही उनको सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयर होने की जरूरत, अवेयर होने की जरूरत है, माँ बाप जो है कम से कम एटलीस्ट अपने बच्चों से ऐसा कोई मतलब नशीला पदार्थ ना मंगाए जिससे प्रेरणा लेकर आगे चलकर वो बच्चा उस चीज के पीछे जाने के, इसके पीछे का राज क्या है, पीछे कारण नहीं है, इसको मैं भी मतलब यूज करूँ। हाँ तो ये कहीं ना कहीं माँ बापों को भी इसमें पहल करनी होगी, पहल करना चाहिए, बड़े लोग को भी पहल करना चाहिए, और जिस माहौल में बच्चा रहता है उसी माहौल को सुधारने का जरूरत है। और एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है माँ बाप गरीब है जी, बच्चा माँ बाप बच्चों
को देखभाल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, देश का जिम्मेदारी बनता है। जैसे आशादीप फाउंडेशन एक जिम्मेदारी संस्था है, ऐसे संस्था बहुत होना चाहिए ताकि बच्चों को एक बेहतर माहौल दे सके। हमारे पास कम से कम 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं जो कि कबाड़ा में चुनते हैं, जो कि गरीब है, विधवा है और माइग्रेंट लेबर है, उनका पास संसाधन नहीं है। उन्हीं बच्चों को हमें तरह तरह का प्रशिक्षण देते हैं, एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। 18 साल जब बच्चा हो गया तो उसको एक बेहतर, आजकल बहुत सारे मॉल आ गया, बहुत सारे दुकान आ गया, बहुत सारे फैक्ट्री आ गया, वहाँ पर हम बेहतर माहौल में बच्चों को लगाते हैं ताकि बच्चे बेहतर जिंदगी बन सके। और ये भी ये प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं बताना चाहूँगा कि देश में बहुत सारे स्कीम हैं बच्चों के लिए, लेकिन लोगों को अभी तक जागरूकता नहीं है।